इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज और INN7 में आप सभी का खैर मकदम। आज बरोज जुमा तुर्की की सूफिया मस्जिद में नमाज जुमा अदा की गई, जिसमें हजारों मुसलमानों ने नमाज अदा की। इस मस्जिद में तकरीबन 90 साल बाद अजाने गूंजने लगी। यह एक तारीखी मस्जिद है जिसे पहले चर्च, फिर मस्जिद, फिर म्यूजियम, अब फिर इसे मस्जिद में तब्दील किया गया। आज जुमा की नमाज अदा करने तुर्की के सदर रेचेप तैयब अर्दोगान शरीक रहे, जहां कहा यह भी जा रहा है कि तैयब अर्दोगान मुसलमानों की खिलाफत का कयाम अमल में ला सकते हैं। तैयब अर्दोगान मुस्लिम सुपर पावर का कयाम करना चाहते हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। म्यूजियम के बाद मस्जिद में तब्दील करने पर दुनिया के ईसाई इसकी मुखालफत कर रहे हैं। तुर्की इस्लामी हुकूमत है और तैयब अर्दोगान भी इस्लामी सोच फिक्र के हिमायती है, लिहाजा मुस्लिम मुल्कों की आलमी तंजीम को तश्कील देना इनका असल मकसद है, जिसके लिए दुनिया के तमाम इस्लामी ममालिकों को मुत्तहिद करने की जद्दोजहद तुर्की के सदर कर रहे हैं, जिस पर अमरीकी सदर ट्रंप को एतराज़ है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।